तो गाइस आज है महाशिवरात्रि। हाँ तो गाइस अभी सुबह सुबह से बज रहे हैं 5 और हम जा रहे हैं मंदिर पूजा करने। आराम से नहा धो के जबरदस्ती मतलब हुई थोड़ी बहुत, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उठते हुए। फिर बाबा ने कहा उठना पड़ेगा, कहने का ब्रश करना पड़ेगा, उन्हें नहाना भी पड़ेगा, सब करना तो पड़ेगा ही भाई। अब पूजा करने जा रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। अब हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं पूजा करने मंदिर। तो गाइस ये है पूजा का सामान, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रखा है कुछ कुछ, और ये पूरा पूजा का पूरा सामान है। तो गाइस फिलहाल मंदिर में आ चुके हैं, अभी तैयारी कर रही है मम्मी। ओम जय श्री ओंकार बोले हर शिव ता बोले पार्वती कटारा बोले गले बोले तीवत चुके हैं। अभी मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिस पे आपको हंसी आएगी। हाँ तो बस मैं बेड पे लेटने जा रहा हूँ, घर की पूजा कर ली, मंदिर की पूजा कर ली, अब मैं सोऊंगा आराम से। उसके बाद सुबह सुबह उठ के जब भी 10-11 बजेंगे क्रिकेट खेलने दोबारा से, क्योंकि अब तो छुट्टियाँ पड़ गई, अपना शेड्यूल ली यही है। सो गाइस फिलहाल अभी मैं उठ चुका हूँ, मस्त सो गए थे, नींद आ गई थी और कपड़े भी बदलने पड़ गए थे, इतने मोटे कपड़े थे कि मतलब इतनी तेज गर्मी भी लग रही थी। और फिलहाल मम्मी ने नीचे ब्रेकफास्ट बना दिया, तो चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं।
सो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया, अब हम जा रहे खेलने, मस्त खेलेंगे। आज मैं दिखाऊंगा नहीं, आज ऐसे ही खेल के आएंगे, उसके बाद ही मिलूंगा अब आपको। सो गाइस फिलहाल अभी खेल के आ चुके हैं, बड़ी देर हो गई खेलते खेलते, मस्त खेले। और अब होगी ये दोपहर, अब लंच टाइम हो गया। लंच टाइम में हम खाएंगे भंडारा, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि, तो आज हो रहा था हमारे पार्क के बाहर भंडारा। हाँ, पापा और पापा के कुछ दोस्त वगैरह थे, कुछ मैंने सुना था पैसे वैसे मिला के भंडारा हो रहा है, शायद उधर बात चल रही थी जब हम पार्क में खेल रहे थे। हाँ, तो बस भंडारा था हमारे को, तो भंडारे से मतलब है। और ये रहा भंडारा, मस्त पूड़ी और आलू है, तो चलो खाते हैं, लंच टाइम में हम भंडारा खा रहे हैं। गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, पूड़ी और आलू और अभी हलवा भी है, वो मैंने लिया। सो गाइस फिलहाल अभी दोपहर हो रही है, लास्ट टाइम हमने आलू पूड़ी खाए थे लंच में। हाँ, उसके बाद हम मैं ऐसे ही घूम रहा था, अभी फ़ोन चला रहा था, वारी है नींद, और टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। चलो 5 बजे तो वैसे मेरे को नीचे जाना होता है, बट कोई बात नहीं, 1 घंटा सो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी तेज नींद आ रही है, क्योंकि सुबह मैं उठा था, मानता हूँ सो भी गया था, लेकिन अब नींद आ रही है तो क्या कर सकते हैं। सोना तो हमारी सेहत के लिए अच्छा है ना भाई, हंसना भी अच्छा, सोना भी अच्छा। चलो सोते हैं, आपको मिलूंगा शाम को। सो गाइस फिलहाल शाम हो चुकी है, अभी हम मस्त पी रहे हैं अपनी चाय, 5 बज रहे हैं शाम के। सो गाइस फिलहाल खेल के घर आ चुके हैं, अभी मम्मी ने बनाई है भरवा भिंडी, बड़ी तेज भूख लग रही है, तो चलो रोटी खाते हैं, डिनर टाइम हो गया। मैं मतलब देर लेट ही आया हूँ थोड़ा, क्योंकि मजे आ रहे थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे। आज मैं गया था व्हाइट क्वार्टर, हमारे यहाँ पर एक पार्क है, वहाँ पर बड़े मजे आ रहे थे। उधर एक ना वो मतलब घर था जिसमें कोई नहीं रहता था, उसमें घुस कर छुपने के लिए मजे आए थे भाई बहुत ज़्यादा। तो गाइस फिलहाल डिनर आ चुका है, डिनर में है भरवा भिंडी और रोटी, इसको कहते हैं भरवा भिंडी, लंबी लंबी जो होती हैं। पहले इसको भी मैं छोटा था तो गरबा भिंडी कहता था, गरबा खेलने वाला गरबा। सो गाइस फिलहाल मैं आपको ऊपर जाने से पहले, कमरे में जाने से पहले बताना भूल गया था कि जब मैं घर में नहीं था तब हमारा नया टेबल आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा नया टेबल, पुराने वाला हमने बेच दिया था, और ये टेबल इतना मस्त लग रहा है, देखो कितनी अच्छी लुक है इसकी। सो गाइस फिलहाल अभी रात हो चुकी है, और आज मैंने अपने महाशिवरात्रि मतलब सुबह पूजा पूजा करने गए, और अभी मेरे को कपड़े बदलने पड़ गए, क्योंकि पानी पीते पीते सारा पानी कपड़ों पे गिर गया था, मतलब बड़ा सीन बैठ गया था, मतलब ठंडा पानी था, बुखार भी बैठ सकता था, चढ़ सकता था मतलब। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, ब्लॉग नए तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको कोई न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।